अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के पेपर में एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करना होता है, और स्पेशली अगर वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। यूजुअली सीएसएस में आपको किसी भी पेपर में या तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को कहा जाता है या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को कहा जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, तो डेफिनेटली जो चीज़ आपसे पूछी हुई है, लेट्स से आईआर में पूछा हुआ है कि पावर क्या है और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बता दें, तो दैट इज़ अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कि जो जो चीज़ें आपको पता हैं वो आप वहाँ पे मेंशन कर दें। बट व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपसे ये पूछा जाता है एनालाइज करें, ठीक है, या फिर कॉमेंट करें, क्रिटिकली एनालाइज करें अब या डिस्कस करें। इसका मतलब है कि आपसे एनालिसिस मांगा जा रहा है। अब जब एनालिसिस बेस्ड आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने कुछ चीज़ों को माइंड में लाजमी रखना है। वो जो चीज़ें माइंड में रखनी है, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपने जितने भी पॉइंट्स आपके क्वेश्चन की बॉडी में आ रहे होंगे, आंसर की बॉडी में आ रहे होंगे, वो आपने इनलिस्ट कर देने होते हैं टू शो द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। और अब इंट्रोडक्शन में आप वो वाले पॉइंट्स लिख रहे हैं जो कि आगे आपने एक्सप्लेन करने हैं बॉडी में। नाउ बॉडी में आपने किस तरह से क्वेश्चन को डिवाइड करना है, अब यहाँ पे आता है आपका एनालिसिस वाला पार्ट कि आप किस किस डायमेंशन से डिस्कस करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को। अब वो डायमेंशन डिफरेंट हो सकती हैं। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान सेंटर कोई क्वेश्चन है और किसी भी इंसिडेंट का, किसी इवेंट का इम्प्लीकेशंस पूछी जा रही हैं, इफ़ इट इज़ पाकिस्तान सेंटर तो ऑफकोर्स आप उसको पाकिस्तान के हिसाब से एनालाइज करेंगे। देन आप उसको रीजनल हिसाब से एनालाइज करेंगे। जब रीजनल हिसाब से एनालाइज करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आपका जितने भी रीजन में नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनके हिसाब से रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या जिस भी तरह से क्वेश्चन की नेचर के अकॉर्डिंग जो इम्पैक्ट्स आएंगे आप उस हवाले से उसको एनालाइज करेंगे। देन यू विल मूव ऑन टू द ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर मूव के क्या क्या इम्प्लीकेशन देखे जाएंगे, आप उसको ग्लोबल लेवल पर एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम आपको एनालिसिस के लिए कुछ और डायमेंशंस हैं जो आपके माइंड में आएंगी कि उस बेस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल डायमेंशन। आप पॉलिटिकली देखेंगे कि उस पर्टिकुलर इवेंट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस बन रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, आप उस लिहाज से उसको एनालाइज करेंगे। देन यू विल मूव ऑन टू द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इट, कि आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिकली कोई क्या ट्रेड डील साइन होनी थी या कहीं पे ट्रेड होना था उस पे सैंक्शंस लग गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप उस लिहाज से इकोनॉमिक लिहाज से उसको इकोनॉमिक डायमेंशन से एनालाइज करेंगे। तो ये सारी की सारी डायमेंशन जब आप अपने क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए अपने माइंड में रखेंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे जिनको यूज करके आप आराम से अपना करंट अफेयर्स का या फिर किसी भी और सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। दिस विल वर्क फॉर योर पाकिस्तान अफेयर्स क्वेश्चंस एज वेल, दिस विल वर्क फॉर योर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चंस एज वेल, दिस विल वर्क फॉर योर किसी भी हिस्ट्री का क्वेश्चन एज वेल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने बात की है तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड अच्छा ऑथेंटिक डेटा पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल फॉरन पॉलिसी या द इकोनॉमिस्ट का, तो उनकी पेड एक्सेस चाहिए होती है। इफ़ यू डोंट हैव द पेड एक्सेस, वी हैव इट। हम लोग फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिस्ट में से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो कि आपके लिए रेलेवेंट होंगे सीएसएस या पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग वहाँ से उन मैगजीन्स में से उठाते हैं, बीच में हम लोग अपने लिखे हुए कुछ आर्टिकल्स भी ऐड करते हैं, एंड वी मेक अ मैगजीन दैट इज़ द लीडर सी एस एस अकेडमी का करंट अफेयर्स का मैगजीन। वी शेयर इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू दो स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू दैट मैगजीन विद क्वालिटी मटीरियल जो कि हर जगह कमर्शियल पर्पजेज के लिए अवेलेबल नहीं है बल्कि ऑथेंटिक सोर्सेज से डेटा उठाया गया है, सो यू कैन सिंपली लीव अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर 0333-6969385 एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू विल हैव एक्सेस टू दैट मैगजीन। आई होप द वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।